सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। अब देखो यार, आज का जो चैप्टर आया है, मतलब सीधे सीधे भाषा में बोलूं तो फुल ऑन एक्शन एंड प्लस लास्ट के पॉइंट पे शॉकिंग मोमेंट। अब जो लोग यार स्पॉइलर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो लोग डायरेक्ट चैप्टर रीड करना पसंद करते हैं, उन्हें ये वाला तो यार शॉक तो लगेगा ही। अब जैसे कि मैं स्पॉइलर भी देखता हूँ, साथ ही साथ चैप्टर भी देखता हूँ, मैं सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देता रहता हूँ कि यार नेक्स्ट वीक क्या आने वाला है, क्या बवाल हम लोग को देखने को मिलने वाला वन पीस में। तो हाँ यार, जिन लोगों ने यार चैप्टर डायरेक्ट रीड किया, झटका तो मिलना ही चाहिए था। यहाँ पे कुछ लोग आकर के बोलने वाले हैं कि भाई हो सकता है उसके बाद वो डेविल फ्रूट अवेकनिंग दिखाता या फिर कुछ टाइप का स्पेशल पावर दिखाता। मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें होती, पर फिर भी जो कुछ भी होती, इस वाले चैप्टर ने यार वो सारे डाउट क्लियर कर दिए, हमारे दिमाग से हटा दिया कि इस फाइट में भी लूफी जीतने वाला है। तो खैर, जो कुछ भी हो, चैप्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर के कवर पेज की। तो यार चैप्टर का कवर पेज का जो टाइटल है, फिलहाल अनऑफिशियल टाइटल्स में दिया हुआ है विनर स्टूडेंट नीड, ये खतरनाक सा इंग्लिश वर्ड जिसके बारे में प्रोनाउंस मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मारते हैं इसको गोली। और वहीं अगर मैं बात करूं तो तुम सब जानते हो कवर पेज पे कवर स्टोरी चल रही है, और कवर स्टोरी का हमें एक और भाग हमें देखने को मिलता है जहां पर ओवन उस बुक को उठा करके वहां से जा रहा है, और यहां पर हमें पुडिंग भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं चैप्टर की, तो पूरा चैप्टर जो है तीन जगहों पे बेस्ड है, तीन जगहों पे फोकस किया गया। रूफटॉप के ऊपर जहां पर लूफी वर्सेस काइडो का फाइट चल रहा है, उसके अलावा कासल इंटीरियर बेसमेंट लेवल 1, और हाँ फ्लावर कैपिटल में। सबसे पहले हम बात करेंगे कासल इंटीरियर बेसमेंट लेवल 1 की। अब तुम्हें शायद याद होगा पिछले चैप्टर में क्या हुआ था, हमें एक्सट्रैक जो है उठता हुआ नजर आया था, और एक्सट्रैक उठ करके आके अपने हाइब्रिड फॉर्म में वो CP0 का जो लीडर होता है उसको पीछे से यार अपना तलवार घुसा देता है, और जवाब भी CP0 का लीडर देता है सिगान यूज करके। प्लस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आज मेरे इस वीडियो में बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक सुनाई दे तो उसको थोड़ा यार इग्नोर मारना, बिकॉज बगल में पता नहीं किस चूतिए का शादी चल रहा जो उस वजह से यार बॉक्स बज रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करने जाऊं यहां पर फाइट का क्या नतीजा निकला, हाँ भाई तुम सही समझे हो, एक्सट्रैक हार चुका है, और इसके बाद हमें सीधे ले जाया जाता है फ्लावर कैपिटल की तरफ, जहां पर ये लोग गुब्बारे में श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने पूर्वजों को। फ्लावर कैपिटल में तुमको याद होगा फंक्शन चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, और वही चीज का जो है लास्ट स्टेजेस पे है। अब जिस चीज का तुम सबको इंतजार था, ओनिगासीमा के रूफटॉप के ऊपर जहां पर दो कैरेक्टर्स की फाइट चल रही है, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड वर्सेस अपना सस्ता मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी का, और ये दोनों यार एक दूसरे को काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे हैं, जहां पर लूफी अपना यूज कर रहा है गियर 4 स्नेक मैन, और वहां पर वो काइडो को बहुत ज्यादा पंचेस मारता है। और तुमको तो याद ही होगा यार, जब भी वो स्नेक मैन में आता है उसके पंचेस की स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, और काइडो यार कॉन्करर हाकी कोटिंग वाले पंचेस खा रहा, तो इस वजह से उसको तो डैमेज हो गई होगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, चैप्टर के पेज नंबर 5 के थर्ड पैनल पे जब काइडो कहता है ही इज अल्टरनिंग द ट्रैजेक्टरी एट विम, रबर स्टूडेंट बी एबल टू डू दिस। अब देखो यार, हमें एक बात तो अच्छे से पता है, तुम भी एक बात जानते हो, लूफी का डेविल फ्रूट कोई नॉर्मल डेविल फ्रूट है नहीं, ये बात हमें भी बताया गया है। बट वो लूफी का डेविल फ्रूट का असलियत क्या है, इसके ऊपर कभी हम और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए एक बात तो बता दिया गया है कि अगर तुम रबड़ सोच रहे हो तो ये रबड़ नहीं है, और भी कुछ है। प्लस अगर तुम मेरे से पूछो इस पूरे चैप्टर का मेरा फेवरेट मोमेंट कौन सा था, तो वो था भाई जब काइडो अपना वो एपिक लाइन कहता है। मतलब यार जिस तरह से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने नहीं बोला था आयरन मैन को ज्ञान का अभिशाप सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिला, तो उसी तरह से यहाँ पर भी भाई काइडो कहता है कि तुम ये मत सोचना कि एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी तुम्हारे पास भी है। भाई ये वाला बहुत ज्यादा खतरनाक था, मतलब हिला डाला था यार मेरे को। प्लस उसके बाद जिस तरह से वो अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में आता है और अपने फ्यूचर साइड का यूज भी करते हुए, उसके बाद वो जिस तरह से लूफी को गियर 4 स्नेक मैन में अपने मुंह में दबा करके ऊपर ले जाके भाई वो जो मुंह से लेजर मारता ना, क्या कहता है, ब्लास्ट ब्रीथ या बोलो ब्रीथ मारता है, बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो एनिमेशन वाले जब इस चीज को एनिमेट करेंगे ना भाई, देखने में बड़ा मजा आएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर में हमें लूफी का गियर 4 बाउंस मैन भी देखने को मिलता है।
अब देखो तुम सब एक बात तो जानते हो, लूफी गियर फॉर स्नेक मैन में था, और जब तुमने मेरा वो स्पॉइलर वाला वीडियो देखा था जहां पर मैंने 1042 के स्पॉइलर की बात की थी, तो मैंने वहां पर बोला था भाई इसने तो बोला था इसका लास्ट फॉर्म है, पर फिर अचानक से कैसे आ गया। ऐसा हो सकता है, यहाँ पर क्लियरली तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है लूफी गियर 4 स्नेक मैन में था और वहां से वो डायरेक्ट चेंज हो गया। मतलब उस बचे हुए टाइम में जितना देर वो रह सकता है ना गियर 4 में, उसी टाइम के बीच में उसने अपना फॉर्म चेंज किया, पर उसका समय उतना ही रहेगा जितना देर गियर 4 में वो रह सकता है। अब मैं फाइनल चीज की बात करना चाहूंगा, जहां पर दो कैरेक्टर्स अपने अपने फाइनल अटैक की तैयारी करते हैं, एक और काइडो अपना फाइनल अटैक की तैयारी करता है और दूसरी ओर लूफी अपना फाइनल अटैक की तैयारी करता है, और ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर हमला करने वाले ही होते हैं, तभी आ जाता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आई बीन CP0 का जो हेड है, जिसने एक्सट्रैक्ट को थोड़े देर पहले ही हराया, और उसके बाद आ करके भाई वो ऐसा काम करता है जिस वजह से तुम तो जानते हो काइडो जो है अपना अटैक करने में कामयाब हो जाता है, वो लूफी को डिस्टर्ब कर देता है। प्लस काइडो का यहाँ पर ओडियन को याद करना वो ये दर्शाता है कि उसे ये फाइट भी मजा आ रहा था, पर मजे में किरकिरा हो गया। अब अगर तुमको याद होगा पिछले बार जो डिस्टर्ब हुआ था ओडियन वर्सेस काइडो के फाइट पे, जिसने डिस्टर्ब किया था उसका क्या हाल हुआ था, अगर ये हाल CP0 के साथ देखने को मिलने वाला है तो मैं वो चीज यार देखूंगा, बहुत ज्यादा खुश हूंगा, बिकॉज मुझे ये चूतिए बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लस क्या लूफी हार गया है? फिलहाल तो पैनल देख के यही लग रहा है कि लूफी हार गया है, लेकिन आगे क्या होगा वो यार हमें नहीं पता। अब तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, साथ ही साथ अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो चैप्टर को रेटिंग देने की, तो मैं इस चैप्टर को रेटिंग देना चाहूंगा 8.5 out of 10, बिकॉज यार पूरा चैप्टर फाइट से भरा हुआ था, लेकिन जिस लेवल की फाइट हमें दिखाई गई है इसी वजह से 8.5 ये डिजर्व करती है। प्लस नेक्स्ट वीक नो ब्रेक, तो यार बिंदास होकर के इंतजार करो नेक्स्ट चैप्टर का। साथ ही साथ इस चैनल पे अगर तुम नए आ गए हो और ये वीडियो तुमको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक मारो, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसे यार तुम्हारे लिए वन पीस के वीडियो बनाता रहूंगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।